ट्रेवल्स द्वारा सरकारी महकमे के लोगों को परिवहन करवाने के लिए कई वाहन अटैच किए गए थे, जहां अब वाहन चालक और गाड़ियों के मालिक 3 माह के वेतन के लिए स्वास्थ्य विभाग मुख्य कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं। एक वाहन मालिक ने मीडिया को बताया कि कोरोना काल में उनकी कई गाड़ियां सरकारी महकमे में सेवा देने के लिए चल रही थी, जिसके चलते करीब 3 माह का वेतन नहीं मिला। आखिर में परेशान वाहन चालक व वाहन मालिक बड़ी संख्या में मंगलवार को जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पास पहुंचे और वेतन की मांग की। वहीं अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने कहा कि सभी से बात हो गई है और जल्द ही इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ड्राइवर भी जो देते हैं वो 2 दिन में इतना ना सैनिटाइजर मिलता है, इसमें हमारे ड्राइवर और हमारी सेफ्टी, हमारी भी नहीं सेफ्टी है और ना हमारे ड्राइवर की सेफ्टी है। पीपी किट भी दी गई यहाँ पे, कुछ ना पीपी किट है ना कुछ है। जहाँ पे केस पॉजिटिव आता है उस जगह पे जैसे हम जा रहे हैं तो इस सैनिटाइजर से हमको भी रखना पड़ता है, गाड़ी जो डॉक्टर बैठता है उस सीट को भी हमें सैनिटाइजर करना पड़ता है। नॉर्मल एक मास्क दिया जाता है वो भी 2 दिन में, अभी लगाते थे मास्क टूट जाता है। ये मास्क जैसे है ये मास्क हमें लगाया तो 2 घंटे भी नहीं चलता और ये टूट जाता है। नहीं होगा तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद सीएम हेल्पलाइन नंबर से बातचीत करेंगे। और ये अप्रैल 10 तारीख से लगी हुई है और अभी अप्रैल मई जून 3 महीने का हमारा पेमेंट बाकी है, उसके लिए हमने सभी गाड़ी वालों ने सारी गाड़ियाँ खड़ी कर दी। और खड़ी करने के बाद हमारा एक ही आश्वस्त है कि सीएमएच जो है हमको ये कहा गया है ट्रैक ट्रेवल से कि सीएमएच जो पेमेंट फंड नहीं है, फंड नहीं है, इसके चलते हमें 3 महीने से ना कोई पेमेंट दिया गया है ना कुछ, और डीजल का सिर्फ पेमेंट दिया जा रहा है और डीजल के पेमेंट के अलावा ड्राइवर को कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। सभी गाड़ी मालिकों की, सभी जितनी भी गाड़ियां हैं सभी की आर्थिक स्थिति कोविड-19 के कारण अप्रैल से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा खराब है और उसके चलते यदि एक भी महीने का पेमेंट, 2 महीने का पेमेंट हमने आश्वासन से इम्पैक्ट ट्रेवल्स से जितने आश्वासन दिए उन आश्वासनों पर बिल्कुल भी खड़े नहीं होते हैं। उसके बाद इनने हमको पहले गाड़ी हमारी लगाई थी 75,000 रुपये पर मंथ, 75,000 के बाद में इनने कहा कि हम 2,000 रुपये पर डे देंगे एक महीना गाड़ी चलाने के बाद 10 तारीख से। उसके बाद में फिर इनने कहा कि आप कलेक्टर साहब आप लोगों से मिलना चाहते हैं तो आप आइए और उनसे मिलिए और वही पेमेंट का निराकरण करेंगे। हम कलेक्टर साहब के पास गए कॉन्फ्रेंस रूम में, वहाँ पर उनने कहा यार हमने इम्पैक्ट ट्रेवल से गाड़ी की थी और पेमेंट की कोई बात नहीं थी, उस वक्त पूरे शहर की हालत ख़राब थी। तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि जो हमारा पेमेंट का एक मापदंड रहता है जो हमारे विभाग से मिलता है हम वही पेमेंट दे पाएंगे, हम उसमें भी एग्री थे। कलेक्टर साहब ने कहा कि 2 से 4 दिन 8 दिन में मैं आप सभी गाड़ी वालों को पेमेंट कर दूँगा। लास्ट मंथ 14 तारीख को हम लोगों ने उनसे बात कही, हमने हमारा हिसाब बना के दे दिया। आज 3 महीने हो गए, 3 महीने का जो हमारा हिसाब है वो पूरा बाकी है, हमको कोई पेमेंट नहीं मिला है, ड्राइवरों की तनख्वाह नहीं मिली है, गाड़ियों की जो किस्त है वो हम हमारी जेब से भर रहे हैं, ड्राइवर को तनख्वाह हम हमारी जेब से दे रहे हैं, हर चीज़ यानी कि जो कही गई सब झूठी निकली। और आज ये निर्णय निकला कि हम बहुत परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि हम सभी ने ये निर्णय लिया है कि हमारी गाड़ियाँ जो है वो हम यहाँ खड़ी कर देंगे। आज सुबह सारी गाड़ियाँ यहाँ आई है, सारी गाड़ी वालों ने यहाँ आने के बाद में ये निर्णय लिया कि इम्पैक्ट ट्रेवल्स हमारा निराकरण करे कि हमारा पेमेंट कब देगा, कैसे देगा, किस स्थिति में देगा, तो किस डेट को देगा, तो हम हमारी गाड़ियाँ कंटिन्यू करेंगे। जो हमने विभिन्न एजेंसी से लगाई थी और कोरोना के समय में उस वक्त जब हमें बहुत अधिक आवश्यकता थी, इन लोगों ने लॉकडाउन में हमारी काफ़ी मदद की, निश्चित तौर पे इनकी मदद काबिले तारीफ है। और पूरा इनका जो बजट था, क्योंकि बजट प्रत्याशा में भेजा हुआ है और अभी हमें मिला नहीं है हमारे राज्य सरकार से, तो कलेक्टर महोदय से कल इसके बारे में चर्चा हुई, आज पुनः चर्चा हुई और अभी मैं उनके पास जाने वाला हूँ। और जब तक राज्य शासन से इसकी पेमेंट की व्यवस्था नहीं होती तब तक कलेक्टर सर ने इसको रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा पेमेंट करने की स्वीकृति दे दी है। अभी मेरी चर्चा इनके जो समूह के जो कुछ लोग थे इनसे बात हो गई है और इन्होंने आश्वासन दिया है कि पूर्व की भांति ये निरंतर काम करते रहेंगे और आज शाम तक हम इनकी जो भी स्थिति है, वास्तविक स्थिति क्या है और इनको पेमेंट कब तक मिल जाएगा, किस दर से मिलेगा, अतिरिक्त किलोमीटर को किस तरह से गिना जाएगा, सारी स्थिति को शाम तक करने का मैंने इनको वादा किया। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।